जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। बरसगीर के नामवर मौसीकार रोबन घोष 1939 में पैदा हुए। रोबन घोष पाकिस्तान की मशहूर फिल्मी अदाकारा शबनम के शौहर थे। उन्होंने 1961 में बंगाली फिल्मों से अपने कैरियर का आगाज किया। फिल्म चंदा से उर्दू फिल्मों में एंट्री दी। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं। मौसीकार रोबन घोष की मौसीकी ने कई फिल्मी नगमात को लाफानी बना दिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट फिल्में देने में उनकी लाजवाब मौसीकी का भी बड़ा किरदार रहा। आँखों से कहो, आँखों से सुन, धड़कन से कहो, खामोश रहे दुनिया। रोबन घोष के कई मकबूल गीत टेलीविजन और रेडियो पर भी नशर हुए। रोबन घोष और शबनम 1996 में बांग्लादेश मुंतकिल हो गए। उन्होंने पाकिस्तान में आखिरी फिल्म जो डर गया वो मर गया की मौसीकी तरतीब दी थी। उन्हें 6 बार निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। बरसगीर के नामवर मौसीकार रोबन घोष 13 फरवरी 2016 को ढाका में इंतकाल कर गए थे। रोबन घोष बंगाली नजाद ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते थे, जो 1939 में बगदाद में पैदा हुए थे। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाली बंगाली नजाद अदाकारा शबनम के शौहर थे, जो पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर सबसे कामयाब तरीन फिल्मी हीरोइन थी। वो 90 के अशरे के आखिर तक पाकिस्तान में रहे और फिर बांग्लादेश चले गए, जहां 2016 में उनका इंतकाल हुआ। रोबन घोष साबिका मशरकी पाकिस्तान में बनने वाली उर्दू फिल्मों के कामयाब तरीन मौसीकार थे। ढाका में बनी हुई पहली कमर्शियल उर्दू फिल्म चंदा, जो 1962 में रिलीज हुई, और सबसे कामयाब फिल्म चकोरी, जो 1967 में रिलीज हुई। कहां हो तुमको ढूंढ रही हैं ये बहारें। इनके अलावा कराची में हफ्तों के लिहाज से सबसे ज्यादा चलने वाली उर्दू फिल्म आईना की मौसीकी तरतीब देने का एजाज भी उन्हें हासिल था। उठे हो तुम, तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। ने 40 के करीब फिल्मों में 225 के करीब गीत कंपोज किए थे। उन्हें अपने आबाई वतन बांग्लादेश यानी साबिका मशरकी पाकिस्तान से ज्यादा मकबूलियत मौजूदा पाकिस्तान में मिली थी। मुझे दिल से ना भुलाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। रोबन घोष ने बंगाली फिल्मों से अपने कैरियर का आगाज किया था। ढाका में बनाई गई बेशतर उर्दू फिल्में असल में बंगाली फिल्में होती थीं, जिन्हें उर्दू में डब करके मगरबी पाकिस्तान में रिलीज़ किया जाता था। बहुत से लोग ये ताना देते हैं कि रोबन घोष को फिल्में अपनी बीवी की वजह से मिलती थीं। शबनम और रोबन घोष का रोमांस काफ़ी अरसा तक चलता रहा था। बिलाखिर 21 अक्टूबर 1965 को उनकी शादी हो गई थी। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जो हमने आपसे शेयर की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ये क्या नशा सचा गया।
कुछ अपनी कहिए, कुछ मेरी सुनिए। देखो ये कौन आ गया, मन के नशा छा गया।